नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी, NITI9 न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए डालते हैं आज की खबर पर नजर। नाजरीन, खबर के अख्तिताम पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, खासकर बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूले, जिससे हमारे खबर की इत्तला आपको मिलती रहेगी। आइए डालते हैं खबर पर नजर। नाजरीन, हम आपको सबसे पहले एक पैगाम देना चाहते हैं, अगर कोई भी खबर आपको मिलती है तो सबसे पहले उस खबर के ताल्लुक से आप तहकीक करें कि ये खबर सही है या गलत है। अफवाहों के ऊपर तवज्जो ना दे, किसी भी किस्म की अफवाह हो उसके ऊपर तवज्जो ना दे। अगर इस तरह की अफवाह आपके पास आती है तो सबसे पहले उसके बाद तहकीक करें और बाद अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार को उसके ताल्लुक से बताएं, क्योंकि आज की जो खबर है ऐसी ही एक अफवाह से जुड़ी है, जहां पर रेन बाजार में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। इस तरह कहकर अफवाह फैला जा रही थी, जबकि हकीकत कुछ और है। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके गुड्डी पौली में एक शख्स को ऑटो की टक्कर लगने से वो जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। बाद रेन बाजार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने आवाम से अपील की है कि इस तरह की अफवाहों के ऊपर तवज्जो ना दें। आइए नाजरीन डालते इस खबर पर एक तफसीली रोशनी, जिसे पेश किया हमारे नुमाइंदे जहांगीर अली ने। आज रेन बार पीएस लिमिट्स में गुड्डी बौली में अजीम शॉप का बाज थोड़ा ऑटो से एक आदमी को मारे, रोड एक्सीडेंट हो गया। ये मर्डर नहीं है, अभी इंजर्ड पर्सन मोहम्मद काजा पाशा को हॉस्पिटल लेके गए। अभी आदमी अच्छा है, कंडीशन अच्छा है। ये मर्डर नहीं है, रूमर्स मर्डर करे बोल के बोल रहा है, ये मर्डर नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट है, ऑटो एक्सीडेंट है। सर, जो एक्सीडेंट करा उन्हें पकड़े गया क्या सर? अभी चल रहा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा, पकड़ दम। ड्रंक भी थे क्या सर? ड्रंक करके थे? नो, विटनेस में बाजू वाला बोल रहा, वो नो गांजा में है बोल के बोल रहा, ये भी वेरीफाई करना पड़ता।